नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एसईवी मिनी ट्रक इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक है, जो कि है बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे कैसे चलाया जाता है, कितना खर्चा आता है और क्या फ़ायदा होता है? आज हम जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब और देखेंगे कि एसईवी मिनी ट्रक ने बदली है हमारे मेहमान की ज़िंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। तो दोस्तों, हमने रिव्यू करना है टाटा एस ई वी का, तो जो इसको यूज कर रहा है उससे बेटर इसके बारे में नहीं बता सकता। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके सचिन जी, इसलिए आज हम आए हैं सचिन जी के पास। सचिन जी मूविंग कंपनी में ड्राइवर हैं और ये टाटा एस ई वी को डेली 160 किलोमीटर के करीब चलाते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं टाटा एस ई वी के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम जी सचिन शर्मा है, मैं गुड़गांव हरियाणा से रहने वाला हूँ। टाटा एस ई वी का जो अपना जो चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है आपका, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मेरा अनुभव तो जी बहुत अच्छा है चलाने में। जैसे आप इसको एक दिन में कितने किलोमीटर चला लेते हो? एक दिन में मैं इसको चला देता हूँ 160 किलोमीटर। इसका जैसे चार्जिंग चार्जिंग होने में कितना समय लेती है ये? चार्जिंग होने में 2 घंटे लेती है पूरे। और जैसे अपना चार्जिंग का रूटीन अपना जैसे क्या रहता है इसमें? रूटीन ये है जी, जैसे मैं गाड़ी लेकर यहाँ से गया और मेरे को जरूरत पड़ गई चार्ज, वैसे ऑलमोस्ट तो जरूरत पड़ती नहीं है, अगर पड़ भी गई तो बंदा अगर खाने वाना खाने भी लग जाए तो उतनी देर में चार्ज हो जाती है। आप जैसे एक दिन में कितने ट्रिप कर देते हो इस टाटा एस ई वी के साथ में? ट्रिप तो मेरा एक ही होता है, ट्रिप के अंदर एक्टिविटी ऐड हो जाती है 10, 8, 12। जैसे दूसरी गाड़ियों के मुकाबले जैसे अपना टाटा ए सी का जैसे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है? और गाड़ियों के मुकाबले ये गाड़ी जैसे दिल्ली हो गई, जैसे फुल लोड हो गई, दिल्ली वगैरह हम गए, सिटी वगैरह में चल रहे हैं, फ्लाईओवर पे चढ़ने में लोड नहीं लेती। और गाड़ियाँ क्या है, थोड़ी सी लोड ले जाती हैं, तो लोड अगर ज़्यादा ये लोड नहीं लेती तो बैटरी बचती है इसकी और हमारा टाइम भी बच जाता है, काम भी हो जाता है हमारा। टाटा एस ई वी का जैसे चार्जिंग जो सेटअप है वो कैसा होता है इसका? चार्जिंग सेटअप कुछ नहीं है, सब कुछ जैसे नॉर्मल मोबाइल चार्जर होता है सेम है। सेम इसमें पोर्ट है, पोर्ट जैक है, जैक गन लगाई इसमें और अपने ऑन कर दिया उसको, ये चार्ज हो जाती है। तो सचिन जी, आप अपना जैसे टाटा एस ई वी का जो चलाने का जो एक्सपीरियंस है उसमें जैसे इसमें कोई अच्छा कोई सुधार करना चाहिए या फिर कोई ड्राइविंग जिससे ड्राइविंग आसान हो जाए या फिर इसके अंदर कुछ और बदलाव करने चाहिए जो कि हमारे व्यूअर को पता लगे इस बात का भाई कैसे क्या इसके अंदर क्या क्या हो रहा है? वैसे तो गाड़ी कंपनी वालों ने बहुत अच्छी बनाई है, डिज़ाइन अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा ही है, कैबिन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस भी है कैबिन में, लेकिन गाड़ी में फ़ैन होता या एसी होता तो और भी अच्छा होता। जो अपना जो बात करें जैसे मेंटेनेंस की बात करें, जो अपना टाटा एस ई वी है इसकी मेंटेनेंस दूसरी गाड़ियों की तुलना में कैसी में कम है या ज़्यादा है या क्या उसके मेंटेनेंस के बारे में बताऊँ थोड़ा? मेंटेनेंस की बात की जाए तो मैंने और भी गाड़ियाँ ही चलाई हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे को ये गाड़ी बेस्ट लगी। उन गाड़ियों के कैबिन में भी क्या होता है, कैबिन थोड़ा छोटा हो गया, स्टेयरिंग ऊपर नीचे हो गया, इसका एडजस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उन गाड़ियों में ऐसा नहीं होता। और गाड़ियों में मेंटेनेंस ये एक्स्ट्रा है कि जैसे अब मेरे पास डिजिटल मीटर है, मेरे पास जो चार्जिंग शो करेगी वो मेरे को पता है इतनी किलोमीटर चल जाएगी, मेरे ड्राइवरों ने भी मुझे बताया है कि इतनी परसेंट है, इतने परसेंट में मैं इतनी गाड़ी किलोमीटर चला सकता हूँ। लेकिन और गाड़ियों में जो मीटर होते हैं, बैटरी के मीटर होते हैं, वो क्या होता है, चार्जिंग दिखाते कुछ है और 10-5 किलोमीटर चलने में ही वो बिल्कुल लो हो जाती है। अच्छा, बेसिकली ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, ये छोटी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे को तो इस गाड़ी में तो ये प्रॉब्लम नहीं देखी है मैंने। तो आप जैसे अभी बात करें पोल्यूशन की बात करें, आप जैसे टाटा एस ई वी चला रहे हो तो आप जैसे कि देश के जिम्मेवार नागरिक हो गए, पोल्यूशन कम कर रहे हो, तो इसको इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या बताना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? देखिए, पोल्यूशन की मैं बात करता हूँ, आज की डेट में पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं टाटा एस ई वी चला रहा हूँ, ये 0% पोल्यूशन है और आज की डेट में इन्वायरमेंट को अच्छा रखना सबसे अच्छे। मैं तो सबको यही बोलूँगा, यही सलाह दूंगा कि पेट्रोल डीजल को हटाकर, सीएनजी को हटाकर ईवी ट्राई करें। चलो भाई, आपको मैं अंदर बैठो, आप मैं आपको गाड़ी चलाकर दिखाता हूँ। हाँ तो सचिन जी बताओ क्या चीज़ दिखाना चाह रहे थे आप बैठ के? भाई आप सबसे पहले तो ये देखो, ये है इसका डिजिटल मीटर। अच्छा, डिजिटल मीटर में सारी नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, पता लग जाता है फुल सर। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं डिजिटल मीटर की, इसमें क्या नोटिफिकेशन देता है कि भाई आपका कितने किलोमीटर आप ड्राइव करने वाले हो? ये सब कुछ देता है, आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी 100% चार्जिंग है, अभी ये 158 किलोमीटर दिखा रही है, ठीक, लेकिन ये अभी चलेगी ज्यादा,
ये शो में दिखा रही है जैसे एवरेज जो मैं निकाल लूंगा वो ज्यादा चलेगी, दिखा रही है नॉर्मल। वो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इसमें? हाँ जी ठीक, वो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है कि ये इससे ज्यादा चलेगी, 160 ऑलमोस्ट तो दिखाई रही है। ठीक 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 ठीक। उसके बाद आप ये आ जाओ, ये हो गई इसमें सबसे बेस्ट चीज है, ना गियर बदलने की जरूरत ना कुछ, कंफर्ट है वैसे। कंफर्ट है बस, ड्राइव मोड और रिवर्स मोड। अच्छा आप सीधा वैसे रोटेट करो, उससे उससे अपना चेंज हो जाता है ड्राइव मोड रिवर्स मोड। हां जी ठीक है, न्यूट्रल करना, न्यूट्रल करना। हां जी, और मैं आपको चला के दिखाता हूं आपको, बाकी आप बैठे हो तो आपको कंफर्ट लग रहा होगा, मेरे को खुद को कंफर्ट लग रहा है क्योंकि नहीं नहीं आपको कंफर्ट लग रहा है। और जैसे ट्रैफिक जाम वगैरह में क्या फायदा मिलता है? ट्रैफिक जाम में यही है बस, एक तो बार बार क्लच नहीं दबानी पड़ती, सबसे बड़ी बात तो यही है। ड्राइवरों को भी ये चीज वो करनी चाहिए कि गाड़ी धीरे ही चलाए, इससे गाड़ी ठीक भी रहेगी और मेंटेनेंस भी नहीं आएगा कुछ। चलो देखो कितना स्पेस है यहाँ पे। ठीक ठीक, कोई दिक्कत, मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, मैं मेरे आराम से मैं पैर भी उठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं इस मामले में जैसे आप काफी हेल्दी हो और उसके हिसाब से, जैसे उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत बड़े आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ऐसे भी रख लेता हूँ, ऐसे भी चला लेता हूँ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे गाड़ी चलाने में, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अच्छा कुल मिला के सारा सिस्टम पूरा गाड़ी ये दिखाती रहती है, मजेदार है। मैं आराम से अगर कहे बात, मैं गाड़ी के अंदर चाय भी पी सकता हूँ बैठे बैठे। अच्छा चलाते चलाते। ठीक ठीक, तो मेनली जो आपको कमी महसूस की, आपने एसी की और फैन की, मेनली जो कमी है वो एसी और फैन और ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कम से कम पंखा फैन जरूर होना चाहिए, गर्मी में ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको इस चीज का। ठीक 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 भाई साहब, चलो। अच्छा और जैसे अपना ड्राइविंग बैक सेंसर भी, रिवर्स सेंसर भी है? हाँ जी रिवर्स सेंसर भी, अभी आपको सुनाई दे रहा होगा ये आवाज कर रहा है। ये अब जब तक इसके पीछे कुछ रहेगा तब तक ये ऐसी आवाज करता रहेगा। ठीक ठीक ठीक, मतलब वार्निंग अलार्म दे रखे इसके अंदर में, वार्निंग है भाई, वार्निंग है कि कोई पीछे आ जाएगा। ठीक ठीक, वैसे देखा जाए तो डैशबोर्ड वगैरह बढ़िया, बिल्कुल एकदम मस्त, डिजिटल मीटर के साथ में और स्टेयरिंग वगैरह कंफर्ट है ओवरऑल गाड़ी देखा जाए तो। हाँ जी बिल्कुल। और स्पेस को ले गए आप जैसे बता रहे हो, स्पेस ये है जी, स्पेस ये है सबसे मेन, इसमें दो ही बंदे अलाउड है, हमें एक बंदा चाहे तो बैठा सकते हैं। और जैसे रात को सोने के लिए कामयाब सो सकते हैं आप इसमें आराम से? सो सकते हैं, थोड़ा सा होता है कि आदमी टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है, बाकी सो सकते हैं। हाँ नहीं देखो इमरजेंसी में ही सोना पड़ता है, गाड़ी में सो सकते हैं। आपने जैसे लेने से पहले चला के देखी थी ये? लेने से पहले जब मैं इसको लेने गया तो सबसे पहली बात तो ये टाटा कंपनी की है, दूसरी बात जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो टेस्ट ड्राइव लेते ही मेरे को तो आ गई पसंद, मैंने तो सोच लिया यही गाड़ी लेनी है। अच्छा मतलब कुल मिला टाटा का भरोसे के साथ में आपने जी, गाड़ी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जैसे आपने चला के देखी तो उससे ज्यादा और भी अच्छा जी, बिल्कुल मेरे को तो बहुत कंफर्टेबल लगी तो मैंने ले ली। इसमें हैंडल भी है पकड़ने के लिए, अच्छा बैठ कर को पैसेंजर के लिए बैठ कर आराम से पकड़ के बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थे सचिन जी, तो आपने जैसा देखा टाटा का इतने सालों का भरोसा अब तक कायम। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल की तलाश कर रहे हैं तो आज ही जाएं टाटा डीलरशिप पर और एक टेस्ट ड्राइव लेकर आएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।